एंड गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ डॉक्टर पालीवाल, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पालीवाल एनिमल केयर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम चलते हैं कि आप गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इन गर्मियों के दिनों में हम अपने पेट्स डॉग का किस तरह से ख्याल रखें, उनका रख रखाव कैसे करें। सबसे पहले इन गर्मियों के सीजन में जब हम अपने डॉग को देखते हैं पेंटिंग करते हुए हाँपते हुए तो हमें बड़ी तरस आती है, आपको भी आती होगी, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, ये दिमाग में अपने जेहन में ये शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स आइए उसी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्या करें इन गर्मी के दिनों में अपने पेट्स के लिए। चलो चलो चलो, सबसे पहले हम अपने पेट्स के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनको ऐसे जगह पर रखें जहां पे कूलर की, अगर लगा सके तो कूलर की व्यवस्था हो, जिससे कि पेट्स का रूम टेम्परेचर बाहर के वातावरण से काफी हद तक कम हो। अगर नहीं हम कर सकते हैं, नहीं हम कूलर लगा सकते हैं, तो उनको पेड़ की छांव में, जहां पे जमीन कच्ची जमीन है, वो अपने पैर से ही खोद करके एक गड्ढा सा बना लेते हैं और उसमें वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन वहां एक दिक्कत होती है कि वो गड्ढा कर लेते हैं, उसमें पानी भी फिर आ जाता है, पानी आने से उनके स्किन में लगता है, स्किन में लगने की वजह से उन्हें स्किन डिजीज होती है और उससे पेट्स स्किन डिजीज से सफर करता है। बहुत सारे स्किन डिजीजेस हैं, आगे के वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें मैं उसका जिक्र करूंगा, एक एक डिजीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये इस टॉपिक पे हमें बात करना है कि हमें क्या करना चाहिए इन गर्मी के दिनों में। तो फ्रेंड्स नोट करें, कॉपी और पेन लेकर के, एक पाउडर आता है केमी कूल नाम का, और उसको अगर हमारा डॉग 10 से 20 केजी बॉडी वेट का है तो उसे हमें 5 ग्राम ही देना है और दिन में 2 से 3 बार हमें दे सकते हैं उससे। उसे डॉग हमारा पेंटिंग हाँफने की समस्या से दूर रहेगा। और उनके बर्तन को हमेशा साफ रखें, हेल्दी डाइट दें उन्हें और वहां पे पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो, पानी हमेशा बदला जाए, चेंज किया जाए टाइम टाइम से, जिससे कि डॉग हमारा दूषित पानी ना पी सके। अगर कंटामिनेटेड वाटर पिएगा तो वो बीमार होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से उसका ख्याल रखें। अगर हो सके तो हफ्ते में 2 से 3 बार नहलाएं गर्मी के दिनों में, मिनिमम 2 to 3 days आपको नहलाना है डॉग को। और बात करते हैं तो वहां पे जैसे डॉग आपका है, अगर हो सके तो वहां आइस क्यूब, छोटे उसके बर्तन में छोटे आइस क्यूब्स रख दे, जिससे कि वो समय समय पे उसे चाट ले, अपने इंटेक कर ले और उससे उसको उसका बॉडी टेम्परेचर में नॉर्मल होने में सहायक होगा, पेंटिंग में सहायक होगा, हाँपना थोड़ा कम हो जाएगा। और वहां पे जहाँ इसको रखना है वहां क्लीन होना चाहिए, नीचे का फर्श भी ध्यान देना चाहिए हमें कि नीचे का फर्श कहीं गर्म तो नहीं है। बहुत सारे ऑनर आते हैं और कहते हैं कि साहब छत पे रखा हूँ, छत पे रखने से वहां पे टेम्परेचर काफी हद तक इन समय गर्मियों में 42-43 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, तो इस चीज का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको भी स्वेटिंग होती है, इनको भी पसीने होते हैं, लेकिन वो दिखाई में नहीं पड़ते हैं और उसे डॉग हमारा लेजी हो जाता है, उनको चलने में परेशानी होती है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे ऑनर आए हैं यहाँ पे लेकर के जिनके डॉग गर्मी के दिनों में उनकी आँख से डिहाइड्रेशन की वजह से आँख से दिखाई नहीं पड़ता है। और इन गर्मियों में बीमारियां जो मेनली बीमारियां हो रही हैं गर्मियों में, वो लूज मोशन, डिहाइड्रेशन की वजह से लूज मोशन भी शुरू हो जा रहा है और डॉग हमारा ऑफ हीट पे चला जा रहा है, एनोरेक्सिया कंडीशन में चला जा रहा है। उस कंडीशन में आप अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें और हो सके तो जल्द से जल्द उन्हें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।